दोस्तों, इस वक्त अगर पाकिस्तान से वीज़ा लगने की रेशो टूरिस्ट वीज़ा की कम है, तो क्योंकि विज़िट आपका, अगर कोई आपके पास इनविटेशन लेटर है किसी अच्छे डिपार्टमेंट का, फैमिली का इनविटेशन है, तो उस पर वीज़े लग रहे हैं अभी भी ना। और पीआर की एक्सप्रेस एंट्री में अगर आपकी पॉइंट्स पूरे हैं उस पर भी आपके चांसेस बन रहे हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ जो पीएनपी की स्कीम्स हैं उसमें भी वीज़े लग रहे हैं। जस्ट जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है उसको थोड़ा सा इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टिक कर दिया, उस पर अभी वीज़े इतने ज़्यादा इशू नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी जानब अगर आप देखें ना, तो मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा वीज़ा लग रहा है। मिडिल ईस्ट में आपका आ जाता है यूएई आ गया, आपका कतर आ गया, बहरीन आ गया, मस्कत, ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ये वो ममालिक हैं। यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे वीज़े लग रहे हैं। और इसी हवाले से बहुत सारे दोस्त कॉल्स करते हैं जी के इस तरह आबिद भाई ये चीज़ करनी है। तो सबसे पहली बात है कि मेरी तो लीगल ओपिनियन होती नहीं है, ठीक है, मैं तो पर्सनल ओपिनियन देता हूँ अपनी। तो जब भी आप कोई वीज़ा कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो किसी से आप असेसमेंट ज़रूर करवाएं। मैंने देखा है कि लोग मुफ्ती कार करके कहते हैं जी कि वो जी इतने का ये वीज़ा कितने का मिल जाएगा जी, ये वर्क परमिट है जी कितने का हो जाएगा जी। तो माजरत के साथ, कनाडा का जो वीज़ा है ना वो दुबई और सऊदी अरेबिया, कतर, मस्कत, यहाँ के जैसा नहीं है कि आप गए और आपको वीज़ा मिल गया, बस आपने जाके काम शुरू कर दिया, ठीक है, या जी किसी एजेंट ने आपका वीज़ा लगवा दिया और इजीली आपका वीज़ा यानी कि हो जाता है वहाँ। तो यहाँ पर वो हिसाब नहीं है, यहाँ पर लोग करोड़ों रुपया लेकर घूम रहे हैं कि किसी तरीके से कनाडा का वीज़ा लग जाए, लेकिन वीज़ा नहीं लगता। अमेरिका का वीज़ा लगना आसान है, कनाडा का थोड़ा मुश्किल है। अमेरिका के वीज़े में आपका इंटरव्यू होता है, ये इंटरव्यू नहीं लेते, ये डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आपकी फ़ाइल देखते हैं, फाइल से आपका सारा डाटा इनको पता लग जाता है। अब उसमें हो क्या रहा है कि बहुत सारे हमारे मासूम शरीफ भाई हैं जो मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, वो बेचारे कॉल करते हैं, कभी किसी एजेंट के हाथों लूट रहे हैं, कभी किसी के हाथों उनसे पैसे ले लेते हैं लोग और काम करते ही नहीं, फिर गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, जितनी देर ना आपकी एलिजिबिलिटी चेक नहीं होती कि आप क्या किसी चीज़ में फाल भी करते हो या नहीं, आप किस चीज़ में अप्लाई करने जा रहे हो, क्या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना आपका डिसाइड होता है कि यार अब आप अप्लाई कर सकोगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं होगा। लोग क्या करते हैं कि बगैर समझे बूझे बस किसी एजेंट को या किसी छोटे मोटे कंसल्टेंट को दे दिया केस और फिर पैसे फारग हो गए। इसमें प्रॉपर फाइलिंग होती है आपकी, प्रॉपर चीज़ें लगती हैं, इवेल्युएशन होती है आपकी, छोटी छोटी चीज़ की असेसमेंट होती है, तब जाके अगर आपकी कोई कमी पेशी रहती है तो वो दूर भी हो सकती है। इसी तरह वर्क परमिट है, वर्क परमिट में पाकिस्तान से अगर 6 महीने लग रहे हैं तो मिडिल ईस्ट से जो उनसे 4 महीने के अंदर वर्क परमिट लग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन पर इनको यकीन नहीं है कि यार वहाँ से 2 नंबर चीज़ें बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, वेरिफिकेशनें बहुत होती हैं। मिडिल ईस्ट में इनको यकीन है कि यार यहाँ पर 2 नंबर इतनी ज़्यादा नहीं चलती, इसलिए ये प्रेफरेंस देते हैं कि मिडिल ईस्ट से अगर कोई आ रहा है तो उसको प्रेफर किया जाए। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट से वर्क परमिट भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और विजिट वीज़ा भी बहुत लग रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा भी बहुत लग रहे हैं। तो इस वक्त जो सारा शिफ्ट है ना इनका, वो मिडिल ईस्ट की तरफ हुआ हुआ है, इंडिया पाकिस्तान की तरफ अब इतना रुझान इनका नहीं है। और जैसा कि वीज़े में स्ट्रिक्टनेस आई है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आई है जो 2 नंबर बैंक स्टेटमेंट्स लगा रहे थे, जाली डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिग्रियाँ लगा रहे थे, ठीक
ठीक है, तो अब उनके लिए थोड़ा सा काम सख्त हो गया है, स्ट्रिक्ट हो गया है, अभी इनके लिए मुश्किल बढ़ गई हैं। तो ये कहना जी कि वीज़ा बिल्कुल बंद कर देगा कनाडा, मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है कि कनाडा अपना जो इमिग्रेशन का सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दे या लोगों को बुलाना छोड़ दे, क्योंकि अभी भी कनाडा का 75% से ज़्यादा एरिया खाली है, रकबा खाली है, और इन लोगों ने वो सारे को फिल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा रकबे को इन्होंने आबाद करना है। इनको बंदों की बहुत ज़रूरत है, ख़ास करके टेक्निकल अफराद की।